वेलकम व्यूअर्स, प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी, टैक टीवी पे आप देख रहे हैं। और अभी हम बात करेंगे खालिस्तान के हवाले से, क्योंकि जब हम कनाडा से रिलेट करते हैं तो बहुत कुछ हो रहा है कनाडा में। सिर्फ आवाम की हद तक नहीं हो रहा, नागरिकों की हद तक नहीं हो रहा, बल्कि जो नेता हैं मरकज़ी सियासी पार्टियों के, वो भी कुछ ना कुछ ऐसी बात कर जाते हैं कि जिससे भारत और कनाडा के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो जाती है, टेंशन पैदा हो जाती है। और इस सिलसिले में सिर्फ जो सियासतदान हैं वो सिर्फ इंडियन सियासतदान या सिख सियासतदान नहीं, बल्कि कुछ पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं, ख़ास तौर पर जो मेंबर पार्लियामेंट और सेनेटर्स हैं, वो तक अपने डिफरेंट नैरेटिव्स जो हैं वो डिफरेंट कम्युनिटी के साथ पेश करती हैं। मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पे यहाँ पे मेरे ख्याल में मल्टीकल्चरलिज्म को काफ़ी बदनाम कर दिया गया या उसको बहुत मिसयूज़ कर दिया गया। बहुत ही ज़बरदस्त कॉलम यहाँ के मरकज़ी अखबार टोरंटो सन में तारिक फतेह साहब का आया है, और आज हमारी गुफ्तगू का महवर भी वही होगा, और उसको हम जोड़ के चलेंगे अपने खालिस्तान के मौजू के साथ, खालिस्तान के जो यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे ताहिर असलम गोरा, और वीडियो लिंक पर तारिक फतेह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको वेलकम करते हैं। कैसे हैं तारिक साहब, खैरियत से? बस ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। तारिक साहब, ये जो आपने कॉलम लिखा है मल्टीकल्चरलिज्म जो है इसके बारे में, और जो हमारे यहाँ के लोग सियासतदान हैं वो कह रहे हैं, मेरे पास एक वीडियो भी है, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ हमें समरी बताइएगा अपने कॉलम की पहले। देखिए, मल्टीकल्चरलिज्म जब कैनेडा के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में राज हुआ, तो उस वक्त जो कल्चर्स का मिलाप था उसको ये था कि रूस से आए हुए आदमी का कल्चर और फ्रांस से आए हुए आदमी का कल्चर, या डेनमार्क या ब्रिटेन, यूरोपियन लोग जो यहाँ आके बसे, इटालियन हैं, वो तमाम कल्चर्स, उनको बराबरी दी जाएगी। मल्टी रेशलिज्म का जिक्र नहीं था उसके अंदर जी। अब क्या हुआ है कि यूरोपियन कल्चर्स तो आमतौर पर एक जुड़ी हुई वो है, लेकिन जापान का कल्चर और हिंदुस्तान का कल्चर और घाना और नाइजीरिया का कल्चर जो है, आप कनाडा के अंदर डालेंगे तो ये ऐसे ही है जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाए, या एक फॉरेन ऑर्गन को आप बॉडी में डालें तो बॉडी खुद ही रिजेक्ट कर देती है। नतीजा ये हुआ कि हमारे शहरों के अंदर खासतौर पर, बजाय इसके कि लोग माइग्रेट करके इकट्ठा हों, वो अपने अपने गेटोज में बट गए हैं। कोई आप देखिएगा, मेरे पड़ोस में यहाँ सोमाली रहते हैं, उनके पास जो है बांग्लादेशी हैं, कुछ घाना से लोग हैं, और कोई आपस में नहीं मिलजुल रहा है। हर किसी को पॉलिटिशियन कहता है इनके वोट हम कैसे हासिल करें, उनका झंडा लेके चला जाता है। तो मुल्क टूटता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और सियासतदान जो है वो खेल रहे हैं इस, मतलब मल्टीकल्चरलिज्म को उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल करके छोटे छोटे ट्राइब्स में बांट दिया है, और फिर उसको वोट बैंक में कन्वर्ट कर दिया है बेसिकली। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, लिबरल पार्टी जो है इस वक्त बरसर इक्तदार है, और वो भी एक बाहिर तो लेके चलती है इक्वालिटी का और मल्टीकल्चर, हम सब मिलके, और सब कनाडा में कोई रेसिज्म नहीं है। इसी तरह एनडीपी पार्टी के जगमीत सिंह भी हैं, वो भी यही एक पार्टी है, मरकजी पार्टी है जो कि सभी लोगों के वोट। हमारे जो पाकिस्तानी कैनेडियन, पाकिस्तानी ओरिजिन के जो कैनेडियन मेंबर पार्लियामेंट्स होते हैं, जब वो इलेक्ट होकर आते हैं तो वो पूरे कैनेडा के वोट लेकर आते हैं तारिक साहब। उसमें इटालियन भी हो सकता है, उसमें इंडियन भी हो सकता है, उसमें बांग्लादेशी भी हो सकता है, और पाकिस्तानी भी हो सकता है। लेकिन जब वो अपने छोटे छोटे गेटोज़ में और कॉर्नर्स में जाते हैं तो वो फिर उनसे वही बात करते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। ये एक अलमिया है हमारा बहुत बड़ा। और नहीं, ये सिर्फ लिबरल पार्टी का नहीं है, इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी में भी पाकिस्तानी इलेक्ट हुए हैं, और उनका काम होता है नॉमिनेशन जीतना, असल में जंग है। अब जो आप देखिए शहरों के अंदर जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं, जहां जहां जिस कम्युनिटी का जोर है वहां से वो आदमी नॉमिनेशन लिबरल या कंजर्वेटिव पार्टी की जीत के, उसका अहल होना जरूरी नहीं होता। वो तो सर नंबर ऑफ फॉर्म्स है ना, आपने 100 फॉर्म साइन करा लिए, वो आप चोरी हो रही है ना उसमें, कि आप वोट बेच रहे हैं। यानी आज से 50 साल पहले जो पाकिस्तान में दौलताना साहब या खोड़ो साहब वोट खरीद लेते थे, या इंडिया के अंदर कोई बिहार से 2000 आदमी लेके आ गया, और ये वो अब कैनेडा में हो रहा जी। मैंने यहाँ लिबरल पार्टी लीडरशिप कन्वेंशन में देखा है कि 250 डेलीगेट एक कमरे में बंद थे, और उनको ये नहीं पता था कि वो वहां क्यों बंद है। उनसे जब पूछा गया कि ये आप यहाँ क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा वो
उनसे पूछ लें, वो लेके आए हैं हम। तारिक साहब, ये तो छांगा मांगे की सियासत हो गई ना फिर तो। आपने बना दिया ना छांगा मांगा कनाडा को, तभी तो इसका नाम बदल के आइंदा 1-2 साल के अंदर या 10 साल में कनाडा हो जाएगा। जी जी तारिक साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसमें सिर्फ इजाफा करना चाहूंगा, सिर्फ नॉमिनेशन के लिए ही ये काम नहीं हो रहा। जो लोग मिसाल के तौर पर मैं खुल के नाम लेता हूँ, सेनेटर सलमा अताउल्ला जान हैं, जो जिनको नॉमिनेशन की जरूरत नहीं थी, सेनेटर हैं बहुत सारे साल। आपने देखिए उनकी किस्मत एक जरा अच्छी थी उस वक्त, और कंजर्वेटिव्स को ये शो करना था कि भाई हम भी मुसलमानों के साथ हैं। ये आजकल मुसलमान दोस्त होना जो है ना, ये बड़ा फैशन में आ गया है, और ये जिसको मैं शरिया बोल्शेविज्म कहता हूँ, कि जिस एक जमाना था आज से 20-25 साल पहले, जो हर सियासतदान अपने आप को कहता था कि मैं एंटी रेसिस्ट हूँ, और मेरे दफ्तर में देखो आई हैव हायर्ड अ ब्लैक मैन एज अ कंस्टिट्यूएंसी असिस्टेंट। उसके बाद ये एक्शन में नहीं, थ्योरी में प्रूव करने के लिए। इसीलिए अताउल्ला जान को सेनेट में अपॉइंट किया गया, क्योंकि ये इलेक्शन लड़के हार गई। अब ना सिर्फ ये मुसलमान थी बल्कि औरत भी थी, और दूसरा इंग्लिश भी ठीक बोलती थी, और टू अ सर्टेन एक्सटेंट शी वाज क्वाइट आर्टिकुलेट। तो उनको सेनेटर बना दिया अब जिंदगी भर के लिए। अब उस सेनेटर बनने के बाद सेनेटर अताउल्ला जान को यह पता है कि इनको कोई निकाल नहीं सकता, तो शी हैज लिटरली स्टार्टेड एक्टिंग एज इफ वो पाकिस्तान एम्बेसी की सेनेटर है सेनेट के अंदर, क्योंकि उनकी तमाम गुफ्तगू, चाहे वो इंडोनेशिया में तबाही मच जाए, फ्लड आ जाए, नाइजीरिया में 2000 ईसाइयों का कत्लेआम हो जाए, दुनिया में कुछ हो, सेनेटर सलमा अताउल्ला जान विल ओनली स्पीक फॉर पाकिस्तान, अगेंस्ट इंडिया एंड प्रमोट खालिस्तान। तो यहाँ मेरा पॉइंट प्रूव होता है ना था कि आप जब वोट से लेकर आते हैं, जो आप रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेटर कनाडा को, तो पूरे कनाडा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे फिर आप, फिर आप हाई कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने कब कहा, जो आपकी और मशहूर हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तानी ओरिजिन की, जो इकरा खालिद हैं, उन्होंने M103 जो था वो इस्लामोफोबिया पे, पहले आप बैकग्राउंड देखिए उनका यॉर्क यूनिवर्सिटी में, हर जगह ये जो फिनोमेना है कि आप विक्टिम बन जाएं, ये लेफ्ट से सीखा हुआ है एक आर्टिफिशियल सा फिनोमेना। जो लेफ्ट की सियासत थी उसमें ये था कि गरीब आदमी पिट रहा है, उसकी रिप्रेजेंटेशन, कलर्ड लोगों को मारा जा रहा है, सिविल राइट्स की मूवमेंट है, ये सब है। इन्होंने उस सांचे के अंदर एक प्रिविलेज मुसलमान क्लास को फिट कर दिया जी। और कहा कि अब आप हम पे उंगली नहीं उठा सकते, हम जो चाहें इस मुल्क की ऐसी तैसी कर दें, हम टोरंटो 18 क्रिएट कर दें, हम डैनफोर्ड पे लोगों को मार दें, हम कुछ कर दें, हम यानी दुआओं में यहूदियों को गालियां दें, जैसे एक लिबरल पार्टी कैंडिडेट अभी पकड़े गए, यानी खुतबे हो रहे हैं कि या अल्लाह यहूदियों को तहस नहस कर दे जी, उसके बावजूद आप विक्टिम बने हुए जी। तो ये एक जिसको मैं कहता हूँ वाइट गिल्ट है, कि जो हिस्टोरिकली ये जनरेशन है वाइट पॉलिटिशियन, मेनस्ट्रीम पॉलिटिशियन की, उनको डर लगा रहता है अरे हमसे कोई गलती ना हो जाए जी, हमारे दादा और पापा ने इमिग्रेशन के अगेंस्ट वोट दिया था, अब हमको करेक्ट करना पड़ेगा। ना उनको कोई समझाने वाला है और ना उनको समझने की कोई जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको चाहिए वोट। सर मल्टीकल्चरलिज्म से ज़्यादा आपका जो कॉलम है, मल्टीकल्चरलिज्म से ज़्यादा पॉलिटिकल करेक्टनेस ने मरवाया है हमें, कि हम वही जो आपकी बात के ऊपर डर डर के सहम सहम के कि इसको हम ये ना कह दें। चीन को मैंने एग्जांपल दिया है कि चीन में जमहूरियत पसंद लोगों को मॉन्ट्रियल की प्राइड परेड से इसलिए निकाल दिया कि गवर्नमेंट ऑफ चाइना नाराज हो जाएगी जी। एक मुझे बताइए गे लेस्बियन परेड के ऑर्गेनाइजर में कितनी दहशत होगी, कि उसने कितना खौफ होगा उसको अपनी जिंदगी में, कि वो चीन से डर गया बगैर चीन के धमकाए हुए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गौरव साहब, ये जो एक लिबरल पार्टी के करंट सिटिंग एमपी हैं जी, रमेश सिंह सांगा साहब, आपकी उनसे बात भी हुई है, और उनका एक स्टेटमेंट यहाँ के कैनेडियन पंजाबी चैनल को दिया गया था, और उसको फिर उस पर खबरें भी आई हैं, यहाँ के तमाम न्यूज़पेपर ने खबर लगाई है, इसका क्या बैकग्राउंड है? देखिए, उन्होंने 28 अगस्त को पंजाब टीवी ने उनके साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अभी चंद दिन पहले
वो अपनी यूट्यूब चैनल पर लगाया, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें उनसे पूछी। उनमें से उन्होंने खालिस्तान के हवाले से दो तीन बातें पूछी, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि उनकी अपनी पार्टी लिबरल पार्टी पेंडरिंग टू खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं। फिर उन्होंने कहा कि कुछ मिनिस्टर्स हैं जो अपने इंटरेस्ट के लिए उनकी बात नहीं चलने देते, चूँकि सांगा साहब का ये कहना है कि वो इंडो कैनेडियन किसी फोरम के वो करता धरता हैं, तो वो ये कहते हैं कि कुछ मिनिस्टर्स हैं लिबरल गवर्नमेंट में, यानी उनकी अपनी गवर्नमेंट में, उनकी अपनी पार्टी के, जो उनकी बात को नहीं चलने देते। मेरा ख्याल ये है अनीस साहब, मैं आप और तारिक साहब और व्यूअर्स वो वीडियो ज़रूर देखें, हम उनकी कर्टसी के साथ ज़रूर दिखाते हैं उनको। जी, लेट्स वॉच दिस क्लिप। इस कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है कि लिबरल पावर जी पार्टी आ ये खालिस्तानी पेंडरिंग कर दी और कर दी रही आ, और ये थोड़ा जा ए, इस मुद्दे पर आके असी सानू पिछे ड्रॉबैक होना पैंदा साडी पार्टी नू, क्योंकि वो जेड़े देखो एक गल जरूर आ, जदों असी एक गल नू एंटी इंडिया स्लोगन रेज करांगे जां असी उनू उदी डिवीजन ऑफ इंडिया चाहुंदे आ ऑन सम ग्राउंड्स, उहदे विच अल्टीमेटली साडे रिलेशन कैनेडा इंडिया रिलेशनशिप जिहड़े ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਪੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੈਪਰੇਸਟ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਨਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਪਰੇਸਟ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਸਟਰੋਂਗ ਵਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਵੀ ਵਿਲ ਵਰਕ ਫੋਰ ਦੈਟ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਟਸ ਦੇਅਰ ਓਨ ਵਿਊਜ਼। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਊ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿਊ ਆਉਂਦਾ ਆ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਾਰਡ ਵਿਊ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਐਜ਼ ਏ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਐਜ਼ ਏ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਗਰੁੱਪ, ਆਈ ਕੁਡ ਨੋਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਬ੍ਰਿਜ ਅਪ ਦਾ ਗੈਪ। ਜੀ, ਔਰ ਤਾਰਿਕ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਜੋ ਕੋਲਮ ਹੈ ਉਸਕੀ ਜੋ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਵੋ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਿਜ਼ਮ ਮੈਨੀਪੁਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਹਾਰਮ ਕੈਨੇਡਾ। ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੜੇ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਬਤਾਈਏ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਈ ਓਨ ਸੋਰਸਿਸ ਸੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈ, इन्होंने एमपी सांगा को, जो एक बुजुर्ग पॉलिटिशियन है सिख कम्युनिटी में, इंडियन कनेडियन कम्युनिटी में, इनकी एज की वजह से भी, इनकी सियासत की वजह से इनको रिस्पेक्ट किया जाता है, इनको घेर के कमरे में ले जाया गया और इनसे कहा गया कि तू जानता है तेरी औकात क्या है, और तू जाके अकेले में मिलाया पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन हरमिंदर सिंह को, जबकि उसने उन्हें सानू कहा भी नहीं पाई ते तू जाके मिल के आ गए, तू समझना की अपने आप नू, फिर औकात की है। ते इफ पीपल अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज इट मीन्स दैट देर आर मिनिस्टर्स इन ट्रूडोस कैबिनेट हु थिंक इन टर्म्स ऑफ कास्ट, दे आर सेइंग दैट यू आर अनवर्दी ऑफ बीइंग इन आवर प्रेजेंस, वी आर people of some status, औकात वही होती है ना कि हैसियत क्या है तुम्हारी, बिल्कुल जात बरादरी। These were the words, I mean alleged words that were said, and Mr. Sangha to a certain degree was even threatened, he was asked to apologize to other senior members of the cabinet from the Sikh community for daring to not follow toe the line. Ab toe the line jo main keh raha hu, kya agenda hai? Dono jo minister hain, hamare defense minister hain aur apne Navdeep Bains bhi hain minister,
इन्होंने आज तक खालिस्तान मूवमेंट को डिनाउंस नहीं किया है। और आप देखिए कि इनकी ये एक मल्टी पार्टी सिस्टम पे, यानी खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं दे एग्जिस्ट इन ऑल पार्टीज, बिल्कुल जिस तरह आपको इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, जो इस्लामिज्म या अल इस्लामिया जिसको इख्वान मुस्लिमीन या जमात इस्लामी कहती, उनका नेटवर्क, वही लोग जो के एनडीपी में हैं, वही उनकी दोस्तियां हैं लिबरल पार्टी में, और वो फिर जाके कंजर्वेटिव में हैं और अखबारों में बैठे हुए हैं, रेडियो स्टेशन में बैठे हुए हैं। इट्स अ नेटवर्क, एंड जो इस्लामिस्ट नेटवर्क है वो तो खालिस्तानी नेटवर्क से बहुत ज्यादा है, और उनकी प्लानिंग जो है एंटी वेस्ट, या ये सोचना कि एक सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेसी। देखिए खालिस्तानी और इस्लामिक मूवमेंट्स में क्या कॉमनैलिटी है, बोथ टॉक ऑफ रिलीजियस स्टेट्स मेंट एक्सक्लूसिवली फॉर पीपल ऑफ सर्टेन रिलीजन। एग्री। कैनेडा का जो है कॉन्स्टिट्यूशन ये वेस्टर्न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का है, अ सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन में तो बाकायदा उसका फर्स्ट अमेंडमेंट का एस्टैब्लिशमेंट जो क्लॉज है उसमें क्लियर कट है कि स्टेट विल हैव नो रिलीजन। इट इज इन कॉन्ट्रडिक्शन टू फंडामेंटल कैनेडियन वैल्यूज। एसेंस कैनेडा का क्या है कि इट इज अ कंट्री मेड आउट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कानून, ऊपर या नीचे से आई हुई किताब या धर्म या गुरु के नाम पे या पैगंबर के नाम पे मुल्क नहीं है, सहीफा नहीं है कोई। हम कानून बनाते हैं और हमारे आने वाली नस्ल उस कानून को तब्दील कर सकती है। अगर आपने खालिस्तान या इस्लामिक स्टेट बनाना है तो ना उसका कॉन्स्टिट्यूशन कभी बदला जा सकता, क्योंकि बनाने वाले चल बसे। तो आप ये सोचिए कि कैनेडा की पार्लियामेंट में, जिनके नाम मैंने लिए वो तो है ही है, अब सलमा जाहिद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके कहती वी विल ऑलवेज बी पाकिस्तानी जी, और वी विल ऑलवेज बी नोन एज पाकिस्तानी कैनेडियन। भैया कितनी जनरेशन में तुम पाकिस्तान में रह के कहते थे हिंदुस्तानी हो जी, हिंदुस्तान से पाकिस्तान में, यहां से कैनेडा है, यहां कह रहे हम पाकिस्तानी है। अरे कहीं तो ट्रेन आके रुकेगी, कहीं तो तुम्हें घर नसीब होगा, तुम कहोगे कि ये धरती मेरी है, अल्लाह ताला ने मुझे यहां भेजा है, मेरी एक मुसलमान की हैसियत से इस धरती की खिदमत करना फर्ज है, और सच बोलना सबसे अहम चीज है। ना सच बोला जाता किसी से और ना खिदमत की जा सकती। बिल्कुल। अच्छा आपने बात कर ही दी है सलमा जाहिद की भी, और तीन हमारे इकरा खालिद हैं, सलमा जाहिद हैं, सलमा अतुल्ला हैं, ये हम हमारे बहुत सारे दो और एमपी थे, एक कंस्टिट्यूएंसी से थे, एक बहुत ही समझदार हैं, गगन नाम है उनका जी, मिसिसागा से। मैंने उन दोनों से पूछा भी कि आप लोग वहां गए पाकिस्तान एम्बेसी में जाके आप पाकिस्तान मना रहे, पाकिस्तान का बनना तो एक जेनोसाइड था जी, उस पे मैं बात करता अच्छा, हूं। मैं इसके लिए इजाफा करना चाहूंगा तारिक साहब, देखिए चार एमपी कनाडा के और एक सेनेटर कनाडा की, वो पाकिस्तान के कॉन्सुलेट में 14 अगस्त को मौजूद हैं, और उनके पीछे एक बैनर लगा हुआ है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या इन पांचों को शर्म ना आई कि इस बैनर के नीचे खड़े होना कैनेडियन मेंबर पार्लियामेंटेरियंस को जेब नहीं देता जी? क्या इनको अभी तक एहसास हुआ, यकीनी तौर पर नहीं हुआ, जब उनके वीडियो हम सुनते हैं जो वो बातें उसमें करते हैं, उसमें तारिक साहब वो ये कहते हैं कि भाई हम तो कश्मीर का वो जो पाकिस्तान का जहादी कोट अनकोट रेटरिक है, वो तो जहादी नहीं कहते, वो तो मैं कह रहा हूँ, चूंकि पाकिस्तान का जो कश्मीर का नरेशन है वो तो जहादी है ना, तो वो उसको उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये वैसे भी इंटरनेशनल नॉर्म्स की वायलेशन है। उसकी वजह ये है कि अगर प्लेबिसाइड की बात भी फर्ज कीजिए, यूएनओ मान ले, तो बना तो नहीं है ना, बनेगा पाकिस्तान उसके तहत जाते प्लेबिसाइट हो ही नहीं सकता जब तक पाकिस्तान का हर फौजी, पाकिस्तान का हर सिविलियन और चीन का हर फौजी और हर सिविलियन, इंक्लूडिंग चीन ने जो जेल बनाए हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो वहां से 1947 अगस्त 14 की डेट से पहले जो नहीं थे उनको निकलना पड़ेगा।
जब वो निकलेंगे तब इंडिया की फौज को इजाजत होगी कि वो श्रीनगर में बैठ के एक प्लेबिसाइट कराए। ये तो कुछ हमारे हिंदुस्तानी दोस्त भी ना समझ हैं, वो चाहें अगर ये कह देना कि चलो प्लेबिसाइट कराना है तो पाकिस्तान चीन की फौज को कहां से निकालेगा। पाकिस्तान तो पहले ही कोई 6000 मुरब्बा किलोमीटर तोहफे में 1963 में चीन को दे चुका है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई 1,00,000 चीनी फौज बैठी, उसको कौन हटाएगा। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, देखिए पाकिस्तानी कम्युनिटी से जो इलेक्ट होके आते हैं ना लिबरल या कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर, वो कोई इतने सूझबूझ रखने वाले लोग नहीं, उन्होंने किताब भी शायद ना पढ़ी, विजन नहीं होता उनका। देखा उनको लाइन ऑफ कंट्रोल और सीज फायर लाइन में भी फर्क नहीं होगा, वो लेते हैं लाइन पाकिस्तान एम्बेसी से जी। और अगर आपको नहीं पता है तो पाकिस्तान एम्बेसी और पाकिस्तान काउंसलेट वैंकूवर और टोरंटो की, उनके रूट्स बहुत डीप जाते हैं। वो कम्युनिटी को कंट्रोल करते हैं, कौन क्या कहता है, कौन आता है, कौन जाता है, किसको वीजा मिलता है, किसको नहीं मिलता, वो सब यहाँ से ISI कंट्रोल करती है जी। बिल्कुल, मैं चाहूँगा तारिक साहब और ताहिर असलम गौर साहब के जो मेरे व्यूअर्स हैं पूरे कनाडा में और पूरी साउथ एशिया में, बल्कि मैं कहना चाहिए, उन्हें मालूम होना चाहिए कि यहाँ के जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं क्या जज्बात रखते हैं, क्या उनके चेहरे पर रोशनी आती है जब वो अपने सारे वोटर्स को एक तरफ निगलेक्ट करते हुए और एक रेटरिक और एक ही नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं और पीछे लिखा होता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो आप आने वाले इलेक्शनों में, आने वाले वोटर्स में, क्या आप बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो इटालियन हो, चाहे वो मैक्सिकन हो, चाहे वो इंडियन हो, पंजाबी हो, क्या आप ऐसे अपने नुमाइंदे गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट में भेजना पसंद करेंगे? आइए वो जज्बात देखते हैं। मैं चाहूँगा कि हम वो क्लिप देखें हमारी इन तीनों पॉलिटिशियंस का। We want peace and stability in that region. We want the line of control to be respected. And just yesterday, our foreign minister met a group of people from Kashmir and has listened to them. And I'm sure the voice will be raised in the upcoming G7 meeting also. And we will continue advocating for the rights of the brothers and sisters in Kashmir and stand up for the violation of human rights. ये मुल्क हम लोगों ने बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। आज का दिन हमें ये अहद करना चाहिए कि हम कायदे आज़म के तीन लफ्ज यूनिटी फेथ डिसिप्लिन को हमेशा याद रखें और ये अहद करें कि हम बेशक सात समुंदर पार हैं लेकिन हम लोग जो कुछ कर सकते हैं वो करें, जो भी हमारे मीन्स में है वो हम करें कि कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल की ड्रीम को हम पूरा कर सकें। आज हम जब जश्न आज़ादी मना रहे हैं हमें अपने कश्मीरी बहन भाइयों को अपने दिलों में याद रखना चाहिए। वी विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन। वेन एवर लाइक समवन आस्क्ड माय सन्स, वन केम हियर व्हेन ही वाज 1 ईयर ओल्ड एंड वन वाज बोर्न हियर, वेन एवर समवन आस्क्ड देम व्हाट इज योर ओरिजिन एंड दे से वी आर कैनेडियन मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, सो दैट आइडेंटिटी विल ऑलवेज स्टैंड विद अस, रिमेन इन आवर हार्ट्स। So, aap sabko jashn azadi mubarak, and I would take this opportunity along with my colleagues to read the message from on behalf of our Prime Minister, Right Honorable Justin Trudeau. It is with great pleasure that I join Pakistani communities in Canada and around the world to celebrate Pakistan's 73rd Independence Day. Canada was one of the first countries to establish diplomatic relations with Pakistan in 1947. The people to people ties between Canada and Pakistan, people from what is now called Pakistan first migrated to Canada over a century ago. Assalamu alaikum. Thank you, Consul General, for having this gathering today. While we celebrate Independence Day, Jashn-e-Azadi, we cannot forget about Kashmir. Our forefather, founding father, Qaid-e-Azam, tried very hard. We all know how hard he tried to make everything work, but when he realized that there was very little room and respect for the Muslims in India, and Pakistan was formed. So we celebrate Jashn-e-Azadi, but we have to salute the resilience of the people of Kashmir, of what they have gone through and what they're going through. And all of us must raise our voices in a very peaceful, dignified manner. And we must remind the world of what's happening in Kashmir. I find that there's been a
almost like a silence from the world leadership. And I wonder why, once again, when it's Muslims who are at the forefront of receiving, and they're, you know, the violence, the curb on their freedoms, why there's a silence. So we must all raise our voices. We're trying to do what we can. I know my colleagues in the federal parliament, you know, it might seem to you that we're not doing anything. We are working very hard behind the scenes. We have had letters from the High Commissioner of Pakistan to the Human Rights Committee. We're looking at that. We're working on that. But all of you, you must continue to talk to your members of parliament to raise the issue and let the Kashmiris feel that they're not alone, we're with them. So while we celebrate Jashn-e-Azadi aapka mubarak ho, but this year it's a somber celebration because we cannot forget with the people of Kashmir. So Pakistan Zindabad. I have heard stories from some of my constituents about their families, elderly mothers who have not been able to communicate to their sons here in Pakistan, in Canada, whether they have been able to get their medicines or not. Families here not being able to connect with families in Kashmir because of the lack of telecommunication, because of the lack of any access. We don't know. And when Minister Freeland met with Kashmiri Canadians in Calgary a few days ago, she heard very much the same plight. We here in Canada are very, very blessed and lucky because we have two homelands that we can refer to. Canada is our adopted home, and Pakistan is my heritage, and both of these lands are very near and dear to my heart. And as a member of the Subcommittee of International Human Rights, I have had the privilege and the responsibility over the past 4 years to be able to raise the voice of so many atrocities as they occur around the world, of human rights violations. And I continue to stand up for violations of human rights in the region of Kashmir, of Jammu and Kashmir, and I worry for the plight of the Kashmiri people. I'm continuing to listen to Kashmiris of in Canada, and will continue to work with my colleagues, and I know that they have all also been working very hard on this to ensure that we are continuing to provide the supports to Kashmiris and to Kashmiri Canadians. مستقل ان کلپس میں جو ایک بات سامنے آتی ہے طاہر صاحب اور طارق فتح صاحب کہ قائد اعظم کا پاکستان، علامہ اقبال کا خواب، مسلم کارڈ، مسلم ہیں ہم، پاکستانی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سب کے برابر ووٹ لے کر آج یہاں اس درجے پہ پہنچے ہیں. اس سب میں کینیڈا کہاں ہیں، کینیڈین کہاں ہیں، اس سب میں وہ ممبر پارلیمنٹ ریپرزینٹنگ کینیڈا کدھر رہ گیا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو شخص یا جو خاتون ٹو نیشن تھیوری میں یقین کرتی ہے یا کرتا ہے وہ کینیڈین نہیں ہو سکتا. پاکستان کا بنیادی سوچ یہ ہے کہ لوگوں کا امتیاز ان کے دھرم سے ہوگا. اگر کوئی ہندو ہے تو اس کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں، اور جو ہندوستان میں مسلمان ہے وہ وہاں سے ہٹ کے وہاں جائیں جہاں مسلمان میجورٹی ہے، یعنی دار الحرب اور دار الاسلام کا جو پرانا شریعہ کا کانسیپٹ ہے. جن کو اسلام کی شریعہ میں پورا دل یقین ہے اور جو چاہتے ہیں تو وہ پھر اس کافر ملک میں نہ آئیں اور اس کافر ملک کے قانون کو ریجیکٹ کر دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اوتھ اٹھائیں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اور کہیں کہ اللہ کی قسم میں اس کانسٹیٹیوشن کو سمجھتا ہوں کہ یہ میں ڈیفینڈ کروں گا، لیکن آپ کی سوچ کہہ رہی ہے کہ نہیں، جو قائد اعظم نے شیطانیت پھیلائی اور ہندوستان میں کوئی 10 ملین لوگ مار دیے، جس کے بعد پھر 3 ملین بنگلہ دیش میں مرے، اور آج پختونستان میں اور بلوچستان میں اور سندھ میں اور کراچی میں جو مہاجروں کے ساتھ حشر ہو رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے، آپ اس کو درست سمجھتے ہیں؟ عام کینیڈین کو یہ بات نہیں. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ what is going on behind their back. ان کی سوچ میں یہ ہے کہ ہم ریپٹرز کی گیم دیکھ لیں، بلو جیز پہ جائیں،
टोन जीन्स पहन लें और यू नो रैप म्यूजिक सुन लें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। उनको ये नहीं पता कि खैर जो इस्लामिस्ट हैं उनको तो छोड़ दें, खालिस्तानी, उससे पहले तामिल टाइगर्स, उससे पहले कौन कौन यहाँ नहीं। इस चक्कर में था कि यहाँ जिस तरह IRA एक ज़माने में चाहती थी कि बेस हो बॉस्टन के एरिया में, न्यू इंग्लैंड में, कनाडा के अंदर, और उससे आयरलैंड में दहशतगर्दी की जाए, आप ग्राउंड्स वही क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे कि लोगों को खुलेआम कह रहे हैं पाकिस्तान एम्बेसी के झंडे के अंडर, जिस झंडे में लोगों को मजहब के नाम पे बांटा हुआ है, सफेद इधर हो जाए गैर मुस्लिम और हरे इधर हो जाए, आप कनाडा के अंदर वो झंडे के नीचे सलूट कर रहे हैं, और पाकिस्तान की एम्बेसी और एम्बेसडर और काउंसिल जनरल जिनको वेस्टर्न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से नफरत है, जिनके प्राइम मिनिस्टर को इसी मुल्क में $50,000 लेते हुए पकड़े गए थे एयरपोर्ट पे, कुछ लोगों को याद होगा, इमरान खान की बात कर रहे हैं जी जी, वो हमें इस्लाम पाकिस्तानियत समझा रहे हैं, हम तो आए हैं कनाडा में पाकिस्तान से भाग के, वरना पाकिस्तान से प्यार होता वापस चले जाए। और जितने फौजी जनरल जो मिसेस आगा में 20-20 करोड़ रुपए लेके यहां आए और घर खरीदे हैं, वो तो इस मुल्क को चूसने आए हैं ना, नुकसान ना भी पहुंचा रहे हो लेकिन उनके पैसे से ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन चल रही है ना, सऊदी अरेबिया से पैसा आ रहा है, कतर से आ रहा है, कतर से क्या कुछ नहीं हो रहा जी। तो जब तक ये जिम्मेदारी फिर हम पे आएगी, कोई जॉन मैकडॉनल्ड नहीं आएगा, कोई टॉमी डगलस नहीं आएगा, कोई जॉन क्रिस्टियन नहीं, इनको तो समझ ही नहीं आएगा कि इनके साथ हुआ क्या। 9/11 को 18 साल हो गए, आज तक ये किसी को नहीं पता खालिद शेख मोहम्मद अभी भी जिंदा है, वो पाकिस्तानी है, ये भी नहीं किसी को पता जी। तो आप हम या आपकी ऑडियंस जो है, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, पारसी है, जो भी है, सिख है, उनको समझना पड़ेगा, खुदा के वास्ते अपने बच्चों का सोच लो, तुम तो गए गुजरे हो ही, वो बिक गए मोहम्मद अली जिन्ना के आगे पीछे, वो लोग जिन्होंने सिखों को लाहौर में जिंदा नहीं रहने दिया, वो आज सिखों की बात कर रहे जी। जो जगमीत सिंह है वो भी तो सिख ही है ना फिर। आप पहले मेरे तो आपसे, लेट मी आस्क यू दिस वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, कैनेडा इज बेस्ड ऑन मल्टी कल्चरलिज्म, कसीबन सकाफत, आप नहीं मानते? कैनेडा हैज एम्ब्रेस्ड मल्टी कल्चरलिज्म, इसकी फैब्रिक है, ऑन 400 years of European Reformation, Enlightenment, Renaissance, and the what we have inherited from France, England, and the United States. हम उसकी क्रिस्टलाइजेशन है। कनाडा वो मुल्क है जिसने अमेरिका, फ्रांस और बर्तानिया की सबसे बेहतर चीजें अपनाई और उन लोगों को सिखाना शुरू किया जहां से वो वैल्यूज आई कि इसको बेहतर कैसे कर सकते। अब लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं साहब, चीन में जो है वहां बड़ा मजा आ रहा है, आपके तो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, ट्रूडो साहब ने, उनके छोटे भाई जो है उनको तो और भी दूसरे मुल्क बड़े पसंद आते हैं, जो साशा कल्चरलिज्म का मतलब होता है फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता, एक कसीरुल सकाफत, लोग सब खुश हैं। आपको क्या तारिक फतेह को क्या तकलीफ है इसे, ये मुझे बताएं। कोई नहीं है दुनिया में, कहीं नहीं है ये मल्टी कल्चरलिज्म। मल्टी कल्चरलिज्म इज द बेसिस ऑफ ट्राइबल एथनिक वॉर्स। नेशन स्टेट जो है वो तो अभी 100 साल ही हुए ना बने हुए, इससे पहले तो ट्राइबलिज्म ही जी था कि हम तुर्की हैं और 600 साल अरबों पे हुकूमत कर ली, आज तक अरब नहीं बोल पाया कि अरे क्यों, किस चक्कर में हम पे हुकूमत की 600 साल। 600 years of Turkish colonial rule over Arabs. And the Arabs have not yet woken up that we were ruled not by the British but by the Turks. तारिक साहब ये बताइएगा कि ये जो जो अभी हमने सांगा साहब का क्लिप देखा था ना जी जी, उसमें उन्होंने बड़ी अहम बात की, उसको नोट करने की जरूरत है कि उन्होंने कहा कि हमारे अपने मिनिस्टर्स, यानी कि हमारे अपने कैनेडियन ऑफ सिख ओरिजिन भी अंदर से जो है वो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो इसमें एक हमारे बड़े फेडरल पार्टी के जगमीत सिंह भी हैं, और जगमीत सिंह तो सारी हदें क्रॉस कर जाते हैं कभी कभी। देखिए जगमीत साहब का जो मामला है वो तो दूसरी पार्टी से, NDP से हैं, और ये ऑन रेकर्ड है कि उन्होंने कभी भी
خالستانی ایلیمنٹس کو ڈیناؤنس نہیں کیا، بلکہ ان کے بارے میں کنفرم رپورٹس ہیں، وہ تو خالستانی جو گیدرنگز ہیں ان میں شرکت کرتے رہے ہیں جی، اور انہوں نے اس شرکت کو بھی کبھی ڈیناؤنس نہیں کیا۔ اور یہ بات طے ہے، اگرچہ ان کا تعلق این ڈی پی پارٹی سے ہے، مگر جو سانگا صاحب ذکر کر رہے ہیں نام لیے بغیر، جن منسٹرز کا، طارق صاحب نے ابھی ان کا نام لیا تھا تھوڑی دیر پہلے، وہ جو منسٹرز ہیں سکھ بیک گراؤنڈ کے، جو کینیڈا کے فیڈرل منسٹرز ہیں، وہ بدقسمتی سے وہ بھی ڈناؤنس نہیں کرتے، تو اس کا یعنی خالصانی موومنٹ کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سانگا صاحب جو کہہ رہے ہیں درست ہے، اور جو کینیڈا کی سیسس کی رپورٹ تھی جس میں ان کا سکھ ایکسٹریمسٹ کا نام آیا اور خالصانیوں کا نام آیا، اب وہ نام ہٹا دیا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سکھ جو بیشتر ہیں وہ امن پسند لوگ ہیں، مگر بدقسمتی سے ایک ایلیمنٹ خالصانی موومنٹ کا ہے ان میں جی، جس کی وجہ سے کینیڈا کے حالات بھی خراب ہیں۔ دیکھیے کینیڈا کی سب سے بڑی ٹیررزم کی جو ایکٹیویٹی ہے ایئر انڈیا بامبنگ، وہ تو خالصانی تحریک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا جی۔ اب اس میں کون سی سیکرٹ کی بات ہے کہ یہ ایک وائلنٹ موومنٹ نہیں ہے؟ بالکل طارق صاحب، آپ ہی کا اخبار ہے، آپ ہی نے اس میں کالم لکھا ہے، پھر اس میں ایک کارٹون بھی چھپ جاتا ہے جگمیر سنگھ کا، اس یہ کیا کہانی ہے پھر؟ دیکھیے اب میں تو ویٹ کر رہا ہوں جب لوگ کہیں گے کہ ٹورانٹو سن نے جگمیت سنگھ کا جو کارٹون چھاپا ہے بڑا ریسسٹ ہے۔ اچھا اب بات ساری یہ ہے کہ جگمیت سنگھ، ایک تو میں بہت امپریسڈ ہوں اس آدمی سے، از اے ویری انٹیلیجنٹ اسمارٹ پرسن، لیکن یہ اگر این ڈی پی کے لائن سے پروگریسو ہوتے تو یہ بہت بڑا لیڈر بن سکتا تھا۔ یہ کچھ لمٹ ہو گئے ان کے، میرے خیال ہے زیادہ دوست احباب اتنے نہیں ہیں جو ان کو سمجھا سکیں، کوئی ویژن نہیں دے پائے، ویژن نہیں دے پائے۔ اب انہوں نے کیا غلطی کی کہ کیوبیک میں ٹیلی ویژن کمرشل ایک چلایا اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کا، اور اس ٹیلی ویژن کمرشل میں انہوں نے اپنی ٹربن کھول کے بال سارے ایسے گرائے، اگر آپ کے پاس کلپ ہے یہ دیکھیے جی، اب دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ کیریکیچر ہے ریسپوٹن کا۔ تو ایک امیج بجائے اس کے کہ پازیٹو ہو، کیوبیک کے اندر جہاں بل 21 ہو گیا ہے، جہاں لوگوں کو سخت مذہب دھرم اور سیاست کے اندر سیپریشن، بالکل کینیڈا کے باقی علاقوں سے کیوبیک کے اندر دے ریجیکٹڈ کمپلیٹلی۔ کیوبیک از بیسڈ آن اے سوسائٹی دیٹ سیز دیٹ نیور اگین ول کیتھولکس بی ایبل ٹو کنٹرول آر لائفز، جو سوشل ریولوشن 1960s 1970s میں ہوا، اور اس کے بعد پارٹی کے بکوا ہوئی، سوورنٹی کی ڈیبیٹ ہوئی، یہ تمام چیزیں کیوبیک کی سیاسی سوجھ بوجھ باقی کینیڈا سے آگے ہے اور بہتر ہے جی۔ تمام ہماری جو چیزیں ہم جس سے کہتے ہیں کہ وی آر ویری پراؤڈ ٹو بی کینیڈین، وہ تمام کا اوریجن کیوبیک سے آتا ہے یا این ڈی پی سے آتا ہے، یہ جو ٹامی ڈگلس تھے۔ اب جگمیت سنگھ جب خود اپنی پگڑی کو اور اپنے بالوں کو ٹیلی ویژن پہ کمرشل میں لائیں گے تو کارٹونسٹ تو بنائے گا نا کارٹون جی، اگر یہ نہیں ایسا کرتے تو کسی نے کہا تھا کہ اپنی پگڑی کاٹو یا بال کاٹو؟ کسی نے نہیں کہا، الیکٹ ہو کے آئیے بڑے میجورٹی سے این ڈی پی کے اندر۔ وہ اور بات ہے کہ تباہی کی طرف این ڈی پی جا رہی، میں نے تو ساری زندگی این ڈی پی کو ووٹ دیا، میں خود این ڈی پی کی طرف سے لڑ چکا ہوں، سو آئی نو دی انر ورکنگز آف دی این ڈی پی۔ پروگریسو لیفٹ ونگ پارٹی ہے جس کا ایک ویژن ہے، جس نے کینیڈا کو شیپ کیا۔ وہ اب بتائیے گرچرن، ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کے ہاتھ میں چلی گئی، ان سے کسی نے پوچھا مسز آگا میں کہ بھائی وہ ڈو یو سپورٹ اسلامک شریعہ؟ تو وہ کہہ رہا ہے یو آر اے ریسسٹ۔ ارے ہم مسلمان ہوتے ہوئے شریعہ کو اپوز کیا ہم نے کینیڈا میں، تو ہم ریسسٹ ہیں کیا جی؟ شریعہ میں تو مرتا ہی مسلمان ہے، شریعہ میں نان مسلم کب سے مرنے لگ گئے؟ ایران ہے، سیریا ہے، لیبیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، جہاں جہاں کھل کے، اور آپ پہلے جائیے تو کربلا ہے جی، مسلمان نے مسلمان کو مارا ہے نا جی بالکل جی۔ طاہر صاحب جی، دیکھیے اس میں شریعہ کے ایک اور بڑے نام اورنگزیب، انہوں نے تو کسی کو نہیں چھوڑا جی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے تو سب کو مارا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آخر میں اگر ہم طارق صاحب اپنی بات کو ریپ اپ کریں، وہ ہیں گرو ہیں جو سکھوں کے، ان کے ساتھ جو زیادتی اورنگزیب نے کیا وہ تو ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ ان کی طرف سے معافی مانگے۔ اور آج آپ دیکھیے خالصتانی جو ہیں
वो औरंगजेब के पीछे खड़े हो गए बदकिस्मती से जी, अंदाजा लगाइए। बहुत शुक्रिया तारिक इस्लाम गोरा साहब, तारिक फतेह साहब, आपने हमें टाइम दिया और हमने इस पे बात की। अब आपको फैसला करना होगा नाज़रीन के ये वो लोग हैं और ये वो सोच है जो कि ये वो नज़रिया है जो कि अब कनाडा में पनप रहा है। अब चाहे सिख बैकग्राउंड से हों या कैनेडियन हो, पाकिस्तानी ओरिजिन हो, आप जब अपने दरवाज़े पर नॉक सुने और आपको कोई बाहर नज़र आए कैनवेसिंग करता हुआ, तो सवाल तो बनता है, आपका सवाल तो बनता है कि क्या अब हम आपको इसलिए वोट दें कि कल को आपने 14 अगस्त को पीछे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान लिखा होगा और आपने इंडिया को कंडेम करना है और वहाँ पे आपको जो वहाँ के लोकल मसाइल हैं कश्मीर की जो असल स्टोरी है उससे झूठ करके वही नैरेटिव लेके प्रमोट करना है जो कि आपको हाई कमीशन या काउंसिल की तरफ से दिया जाएगा, ये आपने सवाल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। हैव अ ग्रेट इवनिंग।